और जैसे कि आप सब जानते हैं, यह है सुहाना की स्कूल। चलो स्टूडेंट्स, आज आप सबका इंग्लिश टेस्ट है, आप सब रेडी हो ना? यस टीचर, हम सब रेडी हैं। हमने बहुत अच्छी सी पढ़ाई करके आए हैं। ओह वाओ, वेरी गुड सुहाना, मुझे तो तुम्हारा पता है, लेकिन ये बाकी के स्टूडेंट्स ना जाने पढ़ाई करके आए भी क्या है नहीं, कैसा टेस्ट देंगे? चलो जाने दो, अब मैं सबको पेपर बांट देती हूँ। अरे ये क्या, आज टेस्ट था और मुझे पता नहीं, और वो भी इंग्लिश टेस्ट। अरे अब मैं क्या करूँ, अगर मुझे टेस्ट में कम मार्क्स आए तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे, और जो मेरा इतना बड़ा खिलौना उन्होंने ऑर्डर दिया है ना, वो भी कैंसिल कर देंगे। अरे अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे ये इंग्लिश टेस्ट से बचूँ? अरे वाह आइडिया। अरे टीचर टीचर, अरे मेरा पेट, अरे मेरा पेट, अरे कितना दर्द हो रहा है, अरे अब मैं क्या करूँ? अरे अरे पिंकी, तुम्हें ये अचानक से क्या हो गया है? सुहाना देखो पिंकी को क्या हुआ है। अरे मेरा पेट, अरे मेरा पेट, अरे मुझे कोई तो छुट्टी दे दे स्कूल की। अरे पिंकी तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी चेयर से नीचे क्यों गिर गई हो? अरे सुहाना मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी से स्कूल की छुट्टी दे दो, मुझे अलार्म करना है, मुझे अपने घर पर जाना है। अरे टीचर, पिंकी के पेट में दर्द हो रहा है और वो अकेले है कि उसे छुट्टी चाहिए, उसे घर पर जाना है। ओह तो ऐसी बात है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और पिंकी नाटक करना बंद करो, जैसे ही तुमने टेस्ट का नाम सुना तो अचानक में भयानक तुम्हारे पेट में दर्द उठा। चलो ये नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा, अब जल्दी से अपनी चेयर पर बैठ जाओ और आज तुम्हें किसी भी करके इंग्लिश टेस्ट देना ही होगा, तुम्हारा कोई भी बहाना ये नाटक नहीं चलेगा। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल लगाऊंगी कि पिंकी स्कूल में आकर नाटक कर रही है। अरे ये क्या टीचर ने तो मुझे कितनी जल्दी पकड़ लिया। अरे चलो अब नाटक करना बंद करती हूँ, नहीं तो टीचर मम्मा को कॉल लगा देंगी। चलो अब जल्दी से उठ जाती हूँ। अरे टीचर, अब मेरे पेट का दर्द ठीक है, अब ठीक ठाक है सब कुछ। ऐसे लगता है सुबह मैंने बहुत ज्यादा नाश्ता कर लिया था ना, उसकी वजह से अब मैं ठीक हूँ टीचर, मैं टेस्ट देने के लिए लगी हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सुहाना तुम अपनी जगह पर आकर बैठ जाओ। अली हाँ टीचर। अली चलो मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती हूँ। और सभी स्टूडेंट्स मेरी बात गौर से सुने, जो भी स्टूडेंट को इंग्लिश टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तो उसे पूरी क्लास के सामने मुर्गा बनना होगा और मुर्गे की आवाज देनी होगी। अरे क्या क्या इतनी बड़ी पनिशमेंट, मुर्गा बनना होगा? अरे अब क्या होगा पिंकी तला, तू तो आज बहुत बुला फसल। अरे स्वीटी मैडम क्या कर रही हैं आप? अरे नैन्सी मैडम आइए आइए बैठिए, मैं तो बिरयानी खा रही हूँ। मैं तो बिरयानी खा रही हूँ। आप भी खाओगे? अरे स्वीटी मैडम आप ये क्या कर रही हैं, अपने दोस्त को छोड़कर आप अकेले अकेले बिरयानी ठूस रही हैं? दोस्त दोस्त ना रहा, बिरयानी बिरयानी ना रही, ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? मेरे इस स्कूल से ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? उससे अच्छा आज मैं स्कूल में आती नहीं थी। धोखा, स्वीटी मैडम ने मुझे धोखा दिया है। अरे क्या मेरी कानों ने सही सुना, स्वीटी मैडम अकेले अकेले बिरयानी खा रही है मुझे छोड़कर। बहुत अच्छा सिला दिया आपने मेरी दोस्ती का। स्वीटी मैडम क्या आप भूल गई, एक दिन मैंने चना लेकर आई थी, लेकिन वो भी मैंने अकेले अकेले नहीं खाया था, आपके साथ बैठकर खाया था, और आज आप बिरयानी खा रही है मुझे छोड़कर। अच्छा सीला दिया तूने दोस्ती का, अच्छा सीला दिया तूने दोस्ती का। मैं जा रही हूँ स्वीटी मैडम, आप खाइए बिरयानी। अरे अरे नैन्सी मैडम रुकिए तो सही, मैं मजाक कर रही थी। अरे ये नैन्सी मैडम भी ना चले गई, लेकिन इन्हें इतना तो मालूम होना चाहिए मैं क्लास में बैठे बैठे क्या करूँगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, टेस्ट लूंगी, बिरयानी थोड़ी ना खाऊंगी। श्री नैन्सी मैडम भी ना बहुत ज्यादा कभी कभार इमोशनल हो जाती है। और चलो वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, मैं बच्चों को पेपर्स बांट देती हूँ। सुहाना, सोफिया, चंकी, मैंकी, फ्रेंकी, फ्रेंकी, फ्रेंको, अबीर, नोली, मोली। और चलो मैंने सभी स्टूडेंट्स को पेपर बांट दिए हैं। कोई भी स्टूडेंट चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना अपना लिखेंगे, कोई किसी का भी नहीं देखेगा, और अगर कोई भी बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और उसकी पनिशमेंट ये होगी कि उसको स्कूल के ग्राउंड में 10 राउंड मारने होंगे, और वो भी मेंढक बनकर। अरे ये क्या, मुर्गा तो सुना था लेकिन अब मेंढक सुन रहे हो, ऐसा लगता है ये स्कूल पनिशमेंट के भी ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, अब मेंढक का ट्रेंड आया है लगता है। नहीं बाबा नहीं, मुझे मेंढक नहीं बनना है, और स्कूल के 10 राउंड पूरे क्लास के बच्चे हंसेंगे। अब ना जाने मैंने ये इंग्लिश टेस्ट
कैसे जाएंगे? मामा, I miss you. अरे पिंकी, तुम इतनी अजीबोगरीब आवाज से क्यों निकाल रही हो? चलो अब टेस्ट देना शुरू करो. मैं ये बुक में देखकर आपको कुछ वर्ड्स कहूंगी, आपको वो अपने टेस्ट में लिखना होगा. कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेंगी. ओके स्टूडेंट्स, आप सब रेडी हो? पहले हाँ टीचर, हम सब रेडी है. अरे कौन सा वाला बोलू, कौन सा वाला बोलू? ओ वाओ, चलो ये बोलती हूँ. तो स्टूडेंट्स लिखो. अरे गुल्लू सर आइए आइए, जरा आप भी देखिए ये स्वीटी मैडम क्या कर रही है. आइए गुल्लू सर, अरे आइए. क्या क्या कह रहे हैं आप, इतनी बड़ी बात नहीं है? अरे नहीं, बहुत बड़ी बात है. गुल्लू सर आइए, देखिए स्वीटी मैडम क्या कर रही है. अरे वाह, आपकी बिरयानी खत्म भी हो गई है, अब तो खा पी कर मस्त बैठी हुई है और मुझे यहाँ पर इतनी तकलीफ हो रही है. गुल्लू सर आइए आइए, स्वीटी मैडम ने ना मुझे पूछा और ना आपको, आपको भी नहीं पूछा गोलू सर कि ये लो बिरयानी मैंने घर से लेकर आई है, आप भी खाओ. अरे भाई ये तो बहुत संगीन, वो मतलब गंभीर मामला दिख रहा है. क्यों स्वीटी मैडम, नैन्सी मैडम सही कह रही है, आपने बिरयानी लाई थी और अकेले अकेले खा ली. भला नहीं नैन्सी मैडम को तो मुझे ही पूछ लेती, मुझे तो बिरयानी खाना कितना ज्यादा पसंद है. अरे वो गोलू सर, ओ माय गॉड, ये नैन्सी मैडम भी ना. अरे गोलू सर वो ऐसी बात. हाँ बोली स्वीटी मैडम, कैसी बात, ऐसी बात वैसी बात, अब तो आपने बिरयानी खा ली, अब तो आप बातें बनाएंगे ही. अच्छा सीला दिया तूने मेरी दोस्ती का, बिरयानी खा ली डब्बे की और मुंह पोछ लिया. अली ये क्लास में ना जाने क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. अरे स्वीटी मैडम, आपने मुझे छोड़कर बिरयानी खाई है ना, अब मैं आपको इतने आसानी से छोड़ूंगी नहीं. अभी तो मैंने गोले सर को कहा है, अब मैं जैमी सर को बताने जा रही हूँ. जैमी सर, मेरी दोस्ती का सिला स्वीटी मैडम ने कैसा दिया? अरे नैन्सी मैडम सुनिए तो सही. नैन्सी, अरे स्वीटी मैडम, नॉट बैड स्वीटी मैडम, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था. अरे भाई टीचर स्टाफ को छोड़कर बिरयानी खा सकता है क्या? आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. अरे बिचारी नैन्सी मैडम कितनी तकलीफ में चली गई है. नॉट बैड स्वीटी मैडम, नॉट बैड. अरे आज ना जाने नैन्सी मैडम को क्या हो गया है, मेरी पूरी बात सुनती ही नहीं है. अब क्यों ऐसा हो गया है कि नैन्सी मैडम से मजाक करना ही नहीं चाहिए, ये तो सीरियसली ले लेती है. चलो जाने दो, जल्दी से मुझे टेस्ट लेना होगा, नहीं तो ऐसे ही स्कूल छूट जाएंगी और टेस्ट रह जाएगा. अरे वाह नैन्सी मैडम, बस ऐसे ही आते रहे पाँच पाँच मिनट में तो क्या हमारा टेस्ट होगा, मजा आ रहा है. अरे नैन्सी मैडम और आ जाओ. चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 10 वर्ड्स बोलने वाली हूँ, आपको अपने पेपर में लिखना होगा और आपका पहला वर्ड ये है एलिफेंट. चलो अब चली से एलिफेंट लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. एलिफेंट, ये तो बहुत इजी है. ELEPHANT, एलिफेंट. अरे चलो अब जल्दी से लिख लेती हूँ. और यहाँ पर सभी बच्चे अपना अपना टेस्ट लिखने लगते हैं. चलो लिख लिया है ना, अब दूसरा वर्ड तुम्हारा ये है लेमन. चलो अब जल्दी से लेमन लिखो. ये टीचर इतने हार्ड हार्ड वर्ड बोल रही है, ये मैंने सही तो लिखा है ना एलिफेंट, क्या पता मैंने सही लिखा है कि नहीं. चलो लिंकी का देखती हूँ. पिंकी मेरे मत देखो, नहीं तो टीचर को मैं तुम्हारा नाम बोल दूंगी. अरे लंकी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा थोड़ी ना देख रही हूँ, मैं तो बस अपने गर्दन को थोड़ा सा सीधा कर रही थी. अरे ये लंकी भी ना कुछ ज्यादा ही मार्केट में आ गई है. लेमन, अली वर्ड. चलो मेरा लिखना तो हो गया है. चलिए टीचर अब थर्ड वाला वर्ड बोलिए. अरे हाँ सुहाना. चलो बच्चो अब लिखो वाटरमेलन. ये क्या छुट्टी मैडम कितनी फटाफट बोल रही है, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है. छुट्टी मैडम ने पहला वर्ड क्या कहा था, एलिफेंट. अरे चलो जल्दी से लिख लेती हूँ वाटरमेलन. अली वर्ड, चलो मैंने सही लिखा है. चलो स्टूडेंट्स अब लिखो टोमेटो. अले वर्ड टेस्ट देने में कितना ज्यादा मजा आता है ना. चलो मैं टीचर की शादी चल रहा हूँ. चलिए टीचर नेक्स्ट वर्ड बोलिए. अब लिखो बच्चों फ्लावर. अली वर्ड 6 वर्ड तो हो गए हैं, अब सिर्फ 4 वर्ड बाकी हैं. अब स्टूडेंट्स लिखो बनाना. अरे ये क्या, ये टीचर तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही है, मैंने तो सिर्फ अभी एक ही वर्ड लिखा है, उसके बाद टीचर ने क्या कहा था, बनाना. अरे टीचर नेक्स्ट वर्ड बोलिए. अब लिखो स्टूडेंट क्लाउड. क्लाउड यानी बादल. और ऐसे ही सारे बच्चे अपना अपना टेस्ट देने लगते हैं. अब तुम्हारा लास्ट वर्ड है ट्री. अली वर्ड, चलो मेरे 10 वर्ड्स लिखना हो गया है. चलो अब टीचर को दे देती हूँ. रॉन्ग, राइट, राइट. चिंकी ने भी ठीक ठाक लिखा है. रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, राइट. और यहाँ पर टीचर सभी बच्चों के टेस्ट चेक करने लगती है. अरे अब ना जाने किसे कितने मार्क्स आएंगे. तो स्टूडेंट मैंने सभी के टेस्ट चेक कर लिया है और जिसने सबसे अच्छा लिखा है, जिसे मिले है 10 में से 10, उसका नाम है सुहाना. आप सुहाना का टेस्ट पेपर देख सकते हैं. एलिफेंट भी सही लिखा है. लेमन, वाटरमेलन, टोमेटो, फ्लावर, बनाना,
क्लाउड एप्पल ट्री। वेरी गुड सुहाना, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 10 मार्क्स। थैंक यू सो मच टीचर, अगली बार 10 में से 10 मार्क्स मम्मा देखकर तो बहुत खुश हो जाएंगी। ये ये और रिंकी को मिलते हैं 10 में से 4 मार्क्स। खेलो तुम्हारा टेस्ट पेपर। और ये है टेस्ट पेपर पिंकू का। गुड पिंकू, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 9 मार्क्स। अरे वाह, मेरी मम्मा तो बहुत खुश हो जाएंगी, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और सोफिया, तुम्हें मिले हैं 10 में से 8 मार्क्स, कोशिश अच्छी थी। चिंकी, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 7 मार्क्स। और मिंकी, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 5 मार्क्स। तुम्हें भी पढ़ाई करने की जरूरत है, तुमने सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे हैं और बाकी के सब तुम खा गई। पहले शोली टीचर, आप बहुत स्पीड से बोल रहे थे। तुम्हारी लिखने की स्पीड तो बहुत स्लो है, तुम्हें अपनी लिखने की स्पीड को बढ़ाना होगा। और अब ये है मूली का टेस्ट पेपर। मूली, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 4 मार्क्स। नूली, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 2 मार्क्स, तुमने तो सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हैं। अली हाँ टीचर, श्योरली नेक्स्ट टाइम अच्छे से टेस्ट दूंगी। और अबीर, ये है तुम्हारा टेस्ट पेपर, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 8 मार्क्स। वेरी गुड अबीर, कीप इट अप। और अब आखिर में ये है पिंकी का टेस्ट पेपर। वेरी बैड पिंकी, वेरी बैड, तुम्हें मिलते हैं 10 में से अंडा। तुमने ये क्या लिखा है? एलिफेंट, एक ही वर्ड लिखा है, उसमें भी मिस्टेक। चलो अब आओ और मुर्गा बन जाओ। अरे ये क्या, हम इसे मिले साथ में, ऐसा क्यों होता है? 10 में से अंडा। अरे अब मम्मा पापा मुझे देंगे घर पे डंडा। अरे अब तो मैं गई। और यहाँ पर पिंकी मुर्गा बन जाती है। कुकलू कू, कुकलू कू। अरे पिंकी, जोर से आवाज लगा, यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है। अरे ये पिंकू के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी। कुकलू कू। अरे चैमी सर, आइए आइए, देखिए आज छोटी मैडम ने क्या किया, बिरयानी अकेले अकेले खा ली है। आइए चैमी सर, आइए आइए। आपने क्या किया नैन्सी मैडम? नहीं भागो। अरे छोटी मैडम, कहाँ पर भाग कर जा रही हो? सुनो सुनो, चैमी सर से कह रही हूँ मैं, बिरयानी कोई अकेले अकेले खाता है बोला? दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्या चल रहा है, नैन्सी मैडम और स्वीटी मैडम ये क्या कर रही है? किसने बिरयानी खाया है और किसने लेकर आया था?